और तक हमें पृथ्वी को दी ही सकती है जबकि हम अपना मुहासला है। इसीलिए खानकाहों में मुहासला और बरातियों की जो तालीम और हिदायत दी जा रही है ये बहुत सी बीमारियों इंसान को लेकर होती बहुत सी बीमारियों से उसे किसी दूसरे को लेकर मोहब्बत से और जिस इखलास के साथ खुफिया खाने पर बनाया देने में कि अगर किसी को समझाना भी है तो उसके अपनी मोहब्बत से समझाएंगे कि वो बहुत ही ज्यादा उससे मुतासिर होगा नफरत से नहीं समझाएंगे। किसी को भी समझाना हो जो गलती करे उसको नफरत से समझाएंगे उसको नहीं समझ सकते। नफरत के बाद नफरत नहीं बढ़ता है। हजरत इलाहुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि अगर नफरत का जवाब नफरत से दिया गया काटा बिछाने वालों के जवाब में हमने काटे बिछा दिए तो पूरी दुनिया का मुसल बन जाएगी, पूरी दुनिया का मुसल बन जाएगी। इसलिए ये जो चीज है कि हमें अपने मामले में समाज में सोसाइटी में खुद अपने काम के निकल रहे अपने बच्चों के साथ अपने दोस्त और बाप के साथ हमारा रिश्ते शुरू होना चाहिए। ऐसा हो कि वो ये समझे कि हमारी ये मुखलिस है, हमारी अच्छाई के लिए लड़ाई के लिए सही करने के लिए तौहीद करने के लिए इंसाफ करने के लिए हमें गहरा करने के लिए भी हमें जो हिदायत दे रहे हैं हमारे इस्लाम कर रहे हैं। सुफिया ने ये तक नहीं कहा, हर गांव में हर लीडर में सुफिया ने अपने अजीबों को दोस्तों को और तमाम के तरीके को जो हिदायत दी है उनका सही नहीं है। इसी को इखलास रखना कहते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि सूफिया का सबसे बड़ा हथियार ये इखलास रखना था। वो खान पाए करपत के हकीकी वाली थे, हकीकी वाली थे वो आए कहां से अजमेर की धरती पर, क्या उनके पास मिलिट्री थी, वेपन थे, हथियार थे, अस्करी उम्र थी, सरदार थी, सलाह थी, साथ थे हजरत मबूल सुल्तान से हजरत जामिया खुमानी जिनके 624 में उसमें हम आप नहीं हैं और ये सादत भी नहीं है आप बहुत ही या मुख्तलिफ शहरों से शोबों के आ रही हैं। अभी हमारे कर्नाटक से काफला भजन कर रहा है, ये भी आ रहे हैं और लखनऊ से पुष्पक से कार में बैठ के यहाँ पहुँचते हैं लेकिन बहुत थके हुए लोग टायर हुए। आप लोग हम लोग आते हैं प्लेन से सफर करें, ट्रेन से सफर करें, बस से सफर करें, कार से सफर करें, थक जाते हैं। तो 6-9 साल पहले क्या आओ हम घूम साफ करो सोचिए दीन मुस्तफा के लिए इन्होंने तब तार कबूल की नौ की बात लेकिन बात इतना मुझे बहुत अजीब बात है कि समुद्र पाक ने सारे सल्तनत ने सूफिया की जमात में बहुत से सारे सल्तनत उनके लोग बहुत ही अजीब मशहूर होते हैं और उनके बबू मनी और सल्तनत मने बहुत ही उनको भाषा थे भाषा थी और उन्होंने तब तो फिर मानी और मौला के नाम में निकल पड़े तो मैं फिर तो कोई चिंता नहीं है। आज हम अपने अमलों के साथ की क्या बात करें, सही बात यह है कि आप जितने हम सब एक निस्बतों से जुड़े हुए हैं निस्बतों से जुड़े हुए हैं ये निस्बत अगर नहीं है तो कुछ नहीं कोई चीज नहीं कि हम मौला को दिखा सकें पेश कर सकें बस एक निस्बत कभी शरा से नहीं चाहे वो चिश्ती खाती चाहे वो नक्शबंदी उसका प्रति चाहे और उसकी सही शादी शक्ति है अबुलराई सिलसिले के लोग हैं, रजवी सिलसिले के अजीजी हैं, बकरी सिलसिले के लोग हैं, अली सिलसिले के लोग हैं, और इंडिया में
स्पीकरों में आप अंदर चले जाइए, नाकारी सिलसिलाओं का उसी जाना में समझता है, शादी और विवाही की सिलसिला जो उसका सही था वो वहां पर मिलेगा। इस बदले शरीर में आइए, अगर आप इस सौ फिफ्टी मीटर में तो यहाँ किसी सिलसिले का दर्जा मिलेगा, हुजूर का नमाज को वहां हो सकता है। नस्बत के अलावा कुछ नहीं, और नस्बत बहुत बड़ी चीज होती है, वो एक बड़ी छोटी सी मिसाल है कि दो का स्किल होती है, चमड़ा चमड़ा जिसको कहते हैं दो, एक वो होता है जो पुराने अजीब की जिल बनाते वक्त लगाया जाता है, ठीक है, उसी का एक हिस्सा जो है किसी दूसरी जगह फिट कर दिया जाए, उसी के दो टुकड़े किए जाए, एक से पुराने अजीब की जिल बनाई जाए और एक को किसी दूसरी जगह फिट कर दिया जाए। आप बताइए कि चूमे बोलिए और अगर इनको तो क्यों तो वो कंप्लेन करेंगे, भाई देखो मैं भी तो दोनों एक ही थे, इनको झूम रहे हैं हमको नहीं झूम रहे हैं, तो बताओ उसकी कंप्लेन सही है कि गलत। इसलिए हिम्मत नहीं चला गया दूसरी जगह लगा हुआ, जैसे यहाँ फिट हो गया चमड़ा साहिबान आप नहीं चुनेंगे, लेकिन अगर उसी का हिस्सा आकर पुरानी अजीब में है, पुरानी शरीर में है, किसी मुकद्दस किताब है, उसको आप कुछ याद कराइए, निस्बत की वजह से वो अजीब हुआ, उसको अहमत मिली है, हुरमत मिली है, बड़ी बात मिली है, तो निस्बत मिली है। मेरे दोस्तों दरअसल सही बात हुई है, हमें अपने को चेक करना है, अपने को देखना है, अच्छी मेहरबानी और आपकी मिजाज है, इसीलिए हम रब तबारक व तआला से हमारा जो रिलेशन होना चाहिए, ताल्लुक होना चाहिए, जो रबता होना चाहिए, इसी हिसाब से यही वो सरमाया है, यही वो दौलत है, यही वो मान है जो सूफिया अपने आत्माओं के थ्रू इस पूरे आर्थ पर उन्होंने फैलाया। मुख्तलिफ कंट्री में मुख्तलिफ कॉन्टिनेंटल में गए, वो आसम में गए, और उन्होंने अल्लाह अल्लाह के रसूल के दीन में ही काम किया। इसीलिए मैं एक बात बहुत खुल करके आपसे अर्ज कर दूँ, ये बात नोट कर लीजिएगा कि शरीयत से अलग कोई चीज तरीक नहीं। हम ये समझते हैं कि तसव्वुफ और सूफिया का काम क्या है, बस हमने चादर चला दी, कागज की संदल की ये सब अदा कर दिया, पत्ती हला दी, हो गई छुट्टी हमारी, ना ताजिर बाजार से इसका कोई ताल्लुक है, ना तसव्वुफ और सूफी से इसका कोई ताल्लुक है। तसव्वुफ और सूफी का एक ही मकसद है, एक ही एजेंडा है, चाहे 1,24,000 रुपया हो सुलह हो, चाहे तमाम डाकू के तादाद में औलिया ना हो दुनिया हो, उनका एक ही एजेंडा था कि वो बदनाले खुदा को खुदा तक पहुंचा दिया, एक ही एजेंडा था बदनाले खुदा को खुदा तक पहुंचा, तुम जहां भी हो जिस जगह भी हो, खेत में हो, दरिया में हो, दुकान में हो, मकान में हो, कहीं पर भी हो, तुम खुदा के बन के हो, बस इन सब की हाजिरी को कबूल फरमा, इनकी दुनिया को अच्छी दुनिया बना, इनकी आदत को अच्छी आदत बना, मौला ने किसी का मुताज ना बना, परवरदिगार या रब अपना मुताज बना के रखा, सल्लल्लाहु तआला अला मेरे कल्ब ही व नूर शेख मोहम्मद इकबाली साहब ए नई गरमती से आप पर रखी। आप अभी नमाज पढ़ेंगे तो सब बना करके उसके बाद फिर खुद ब खुद आप पीछे चले जाएंगे।